आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा है कि सर थर्ड कट ऑफ के बाद भी कोई कट ऑफ आएगी या नहीं आएगी, कुछ स्पेशल कट ऑफ के बारे में कुछ बताइए, स्पेशल ड्राइव क्या होती है और स्पेशल कट ऑफ क्या होती है उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेसिफिक होने वाला है तो स्पेशल कट ऑफ के बारे में जो कि आने वाली है अगली वाली कट ऑफ। कई सारे बच्चे जो है कोटा जो है बहुत सारे एडमिशन जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू होते हैं या बहुत सारे जो है CW कोटा है उसके बारे में भी कई बच्चे पूछना चाह रहे थे तो डेफिनेटली से उनके बारे में भी वीडियोस आगे आने वाले हैं। लेकिन पहले अभी जो वीडियो है वो स्पेशल कट ऑफ के बारे में है। स्पेशल जो कट ऑफ है वो क्या होती है, मतलब उसमें कौन बच्चा एलिजिबल है। बहुत सारे बच्चों ऐसे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट कट ऑफ में अपना एडमिशन जो है वो नहीं लिया और सेकंड कट ऑफ में वो कई बार उस पर्टिकुलर कॉलेज में एलिजिबल नहीं होते हैं। कई सारे बच्चों का ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बच्चे ने एम रखा था किसी एक कॉलेज का, फर्स्ट कट ऑफ में उसका नंबर आ गया लेकिन उसने एडमिशन नहीं लिया और किसी रीजन से नहीं ले पाया। कई बार कई सर्कमस्टेंसेस होते हैं नहीं ले पाता कई बार कोई बच्चा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन सारी बातों को समझती है कि एक बच्चा जो है वो नहीं ले पाया एडमिशन फर्स्ट किसी भी रीजन से। और सेकंड में सपोज करो कि उसको वो कॉलेज नहीं मिल रहा है, कोई और कॉलेज मिल रहा है, वो नहीं करना चाहता या वो कोर्स उसको नहीं मिल पाया, तो सेकंड और थर्ड में भी फिर वो रह गया और अब बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो बच्चा जो है वो एडमिशन ले पाए। नाउ इसमें एक इम्पॉर्टेंट ग्लिच है क्योंकि बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमने मान लीजिए किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो क्या हम स्पेशल ड्राइव में जो हमारा जो स्पेशल कट ऑफ है, नॉट स्पेशल ड्राइव, स्पेशल कट ऑफ जो है उसमें हम क्या एलिजिबल होंगे। तो इंटरेस्टिंगली पिछले साल भी DU ने ये बात बोली थी, मैं पिछले साल की गाइडलाइंस को रिवाइज कर दूं, DU पहले बात बोल चुका है कि जो बच्चा जो है एक बार कहीं एडमिशन ले चुका है तो वो एलिजिबल नहीं है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एडमिशन कहीं पे भी नहीं लिया है और वो पहली दूसरी या तीसरी कट ऑफ में से लायक कर रहे हैं, मतलब वो एलिजिबल तो थे लेकिन वो अपनी किसी गलती की वजह से किसी ना किसी कट ऑफ में एडमिशन लेने से रह गए। और एक और बात है उसमें सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि कॉलेज के पास में सीट्स अवेलेबल हैं, मतलब कॉलेज के पास अगर सीट अवेलेबल है एक या दो सीट तो कॉलेज के पास में मोस्टली रह रही होती हैं, ठीक है एक या दो सीट, लेकिन उसमें वो क्या करते हैं उसमें वो कट ऑफ नहीं उसके उसमें वो नहीं खोल रहे कट ऑफ नहीं खोल रहे क्योंकि एक दो सीट के लिए वो नहीं खोल पा रहे हैं, खोलते भी तो सेम पे खोल देते हैं। तो अब स्पेशल ड्राइव में वो ये कह रहे हैं, कॉलेजेस कह रहे हैं कि हम और कट ऑफ नहीं गिराना चाहते हैं, हम पहले उन बच्चों को मौका देना चाहते हैं जो बच्चे किसी ना किसी गलती से या किसी ना किसी रीजन से रह गए हैं, तो पहले वो बच्चे आ जाइए जिनकी जो किसी रीजन से रह गए आप वो आके एडमिशन ले लीजिए स्पेशल ड्राइव में, स्पेशल कट ऑफ में, स्पेशल कट ऑफ में वो बच्चे आके पहले एडमिशन ले लें, तभी फिर उसके बाद में सब सीटें बचेंगी तो फिर हम जो है कट ऑफ फोर्थ के ऊपर जाएंगे और फोर्थ कट ऑफ में तो फिर आगे जो है आपको मैं अपडेट दूंगा स्पेशल कट ऑफ के बाद ही कि क्या सिचुएशन है। हालांकि थोड़ा बहुत हर कोर्स में एक दो सीटें हैं बच्चों, ठीक है चाहे वो ऑफ कैंपस चाहे वो ऑन कैंपस, एक दो सीटें, ठीक है। तो इतना स्कोप डेफिनेटली से है कि अगर कोई बच्चा गलती से कमी से रह गया या किसी को है अगर तो इसमें उसको मौका मिलेगा एडमिशन लेने का, डेफिनेटली से मौका मिलेगा। कॉलेजेस अपनी फिर से जो है वो दिखाएंगी अपनी कट ऑफ दिखाएंगी, लीस्ट कट ऑफ दिखाएंगी कि इतनी कट ऑफ तक ऊपर से लेकर जितने भी आपके मार्क्स हैं, मतलब मान लीजिए कॉलेज ने कहा 87% तक से ऊपर अगर आपके मार्क्स है तो आप आके एडमिशन ले लीजिए इरिस्पेक्टिव ऑफ फर्स्ट कट ऑफ के थे या फर्स्ट कट ऑफ के थे सेकंड के थे या थर्ड के थे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। उस टाइम पे आपसे कोई भी कुछ नहीं पूछेगा, जब आप फर्स्ट कट ऑफ में जब आपका नंबर आया था और आपने एडमिशन नहीं लिया था तो सेकंड में ही आप होने चाहिए, फर्स्ट में हो तो आपको नहीं लिया गया था तो वो बच्चा भी एलिजिबल हो जाएगा, ये अच्छी बात है। तो थर्ड कट ऑफ तक में जिससे भी कोई रह गया होगा या जो नहीं ले पाएगा एडमिशन वो जो है उसमें ले पाएगा। अभी कई सारे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि सर हम मतलब ये ऐसा करते हैं हम अभी अभी क्योंकि इस टाइम पे एडमिशन चल रहा होता है तो बच्चे कह रहे हैं हम अभी कैंसिल करा देते हैं, तो आपके अपने रिस्क के ऊपर है, मतलब अगर आपकी सीट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो स्पेशल जो कट ऑफ है उसमें सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस हैं कि आपका कॉलेज के पास में सीट होनी चाहिए, तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए जो भी है रिस्क लीजिएगा, बिकॉज मैं ये सजेशन नहीं दूंगा कि आप कहीं भी एडमिशन को कैंसिल करके स्पेशल कट ऑफ के लिए आप जो है एलिजिबल हो। स्पेशल कट ऑफ के लिए वो बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पेशल कट ऑफ के लिए वो बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है जो बच्चे ऑलरेडी कोई सीट ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीट इसमें, क्योंकि इसमें जो है वो बच्चे जो रह गए जो किसी गलती से रह गए किसी कमी से रह गए ये उनके लिए है, बिल्कुल भी DU की ये मंशा नहीं है कि ये भी एक कट ऑफ की तरह ही है इधर उधर जंप कर सकते हो, डेफिनेटली ऐसा नहीं है।
इसमें जो पर्पस है वो बची हुई सीटों को भरने का है अच्छे बच्चों के थ्रू, ये यूनिवर्सिटी का पर्पस था, आइडिया था। ये बिल्कुल भी नहीं है कि और लो कट ऑफ करके सीटें भर दी जाएं, वो चाहते हैं पहले वो बच्चे आ जाए जो हाई कट ऑफ वाले हैं, क्योंकि उससे पहले, क्योंकि पहले वो सीटें भर ली जाएं, उसके बाद में फिर अगर सीटें फिर बचती है तो फिर अब कट ऑफ को और नीचे 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 गिराया जाएगा, यही इसका कोर आइडिया है। मुझे पूरी उम्मीद है आज का जो वीडियो है वो पर्पसफुल लगा होगा। अब मैं आपको फिर बताऊंगा स्पेशल ड्राइव क्या होता है, ठीक है, स्पेशल ड्राइव में किस कौन कौन से बच्चों के लिए जो है एडमिशन खुलेंगे। स्पेशल ड्राइव अलग है, स्पेशल कट ऑफ अलग है। अभी से स्पेशल कट ऑफ के बारे में बात हो रही है जो कि 25 अक्टूबर को जो है रिलीज होनी है। मोस्ट प्रोबेबली आप उसके लिए जो है कोशिश करिएगा कि आपका एडमिशन उसमें हो जाए। उसमें काफी सारे बच्चों के एडमिशन हो पाते हैं, ये एक अच्छी बात है। आप अपनी नजर बनाई रखिएगा क्योंकि एक दो सीटें रहती ही हैं हर कॉलेज में, और काफी ऑफ कैंपस में काफी सीट्स हैं, तो उसमें आपको मौका मिल सकता है डेफिनेटली से एडमिशन लेने का। अच्छी जानकारी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस से रिलेटेड, और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।